हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी। इन दिस वीडियो यू सी व्हाट इज एनाटॉमी एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेज। Human anatomy is the science which deals with the structure of human body. Anatomy is a structure and physiology is function. So it deals with the general structure of the human body. Meaning of term anatomy is the term anatomy is derived from a Greek word anatom, which means cutting up, means a study of any part after cutting or dissecting. Anatomy forms form foundation of the whole art of medicine and introduces the student to greater part of medical terminology. Anatomy medical science की ऐसी branch है, subject है, जिसके अंतर्गत हम normal सामान्य मनुष्य के रचना structure के बारे में जानते हैं कि human body का निर्माण कैसे हुआ है, फ्रॉम सेल टू सिस्टम। डिवीजन ऑफ एनाटॉमी मीन्स इफ वी स्टडी एनाटॉमी सिस्टमेटिक वी डिवाइडेड इट फॉलोइंग पार्ट्स। माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सो माइक्रोस्कोपिक और हिस्टोलॉजी कल एनाटॉमी मीन्स ए स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लाइक ए स्टडी ऑफ सेल, टिश्यू, डिफरेंट सेक्शंस, सेक्शंस ऑफ आर्टरी, वेन्स, नर्व, मसल, बोन, आई, इंटेस्टाइन, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड हिस्टोलॉजिक, हिस्टोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मीन्स दोज स्टडी विच इज कंप्लीटेड बाय विदाउट हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के जो हम एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं या कहलाता है। लाइक लिविंग एनाटॉमी, कैडबरिक एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी, कंपरेटिव एनाटॉमी, एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी, सरफेस और टोपोग्राफिक एनाटॉमी, अप्लाइड और सर्जिकल एनाटॉमी, क्लिनिकल एनाटॉमी। वी सी अगेन वन बाय वन इंडिविजुअल ब्रांच और पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी और सरफेस एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी डिफाइन एज द एनाटॉमी रिवील्ड ऑन लिविंग ह्यूमंस इज गेनिंग इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न एनाटॉमी एजुकेशन एंड हैज इवन been considered to replace cadaver based anatomy study. Living anatomy में हम जो study करते हैं, अध्ययन करते हैं, वह living human body के ऊपर करते हैं। जैसे surface anatomy, किसी भी organ का अनुमान लगाना, surface anatomy वह कहाँ पर है, different grips, posture, etc. कैडबरिक एनाटॉमी,
कैडेवर मीन्स डेड बॉडी. सो ए डेड ह्यूमन बॉडी दैट मे बी यूज बाई फिजिशियंस एंड द अदर साइंटिस्ट टू स्टडी एनाटॉमी. आइडेंटिफाइंग डिजीज साइट्स, डिटरमाइन कॉजेज ऑफ डेथ एंड प्रोवाइड टिश्यू टू रिपेयर ए डिफेक्ट इन ए लिविंग ह्यूमन बींग. स्टूडेंट्स इन मेडिकल स्कूल और मेडिकल साइंस स्टडी एंड डिसेक्ट कैडेवर एज पार्ट ऑफ दियर एजुकेशन. शरीर के डिफरेंट लेयर्स को, पार्ट को, स्ट्रक्चर को जो डेड बॉडी पर हम डिसेक्शन करते हैं, डिसेक्ट करने के बाद में जो अध्ययन करते हैं उसे हम कैडेवरिक एनाटॉमी कहते हैं. एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल एनाटॉमी. सो एम्ब्रियोलॉजी मीन्स ए स्टडी ऑफ एम्ब्रियो. डेवलपमेंटल एनाटॉमी इज द फील्ड ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कंसर्न्ड विद द चेंजेज दैट सेल्स, टिश्यू, ऑर्गेन्स एंड द बॉडी एज ए होल अंडरगो फ्रॉम ए जर्म सेल ऑफ इच पेरेंट टू द रिजल्टिंग ऑफ स्प्रिंग. इट इंक्लूड्स बोथ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट. सो फर्स्ट इज प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल. प्रीनेटल मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इनसाइड यूटरस और उम्ब एंड पोस्टनेटल मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स आफ्टर द बर्थ. सो बिफोर बर्थ दैट इज इन प्रीनेटल स्टेज व्हेन ए स्पर्म एंड ओवम यूनाइट आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे बिकम जाइगोट एंड आफ्टर रिपीटेड सेल डिवीजन इट बिकम्स और गोज अप टू मोरूला स्टेज एंड देन प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स. इन दिस वे होल प्रेगनेंसी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. ट्राइमेस्टर मीन्स द एज ग्रुप और लाइफ और चेंजेज अकर्स इन थ्री मंथ्स. सो टोटल 9 months ऑफ प्रेगनेंसी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. सो ऑल चेंजेज इनसाइड इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. और डेवलपमेंटल मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इन प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट. पोस्टनेटल मीन्स आफ्टर बर्थ टू एडल्टहुड. कंपरेटिव एनाटॉमी. कंपरेटिव एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज. इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड फाइलोजेनी. फाइलोजेनी मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज. इन डिफरेंट स्पीसीज हैज सम सिमिलरिटी हु इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सिस्टम ऑर्गेन लेवल. वी सी सर्टेन सिमिलरिटी ऑफ ह्यूमन इन मंकी. मंकी इन स्टैंडिंग पोजिशन एंड इन टूडलर पोजिशन. एज लाइक वन सेल टू मल्टी सेलुलर सिस्टम. सो दिस स्टडी रिलेटेड टू एनी पार्ट, ऑर्गेन और विसरा और बोन फ्रॉम इंसिस्टर्स मीन्स प्रीवियस स्पीसीज. एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी. एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी इज एन अप्रोच और ए मेथड इन एनाटॉमी विच इज इन पार्टिकुलर डिस्टिंग्विश्ड बाय डूइंग स्पेसिफिक एंड टारगेटेड एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग सिंगल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. इट इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्पेक्टिव एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स फंक्शन.
So in experimental anatomy, we make a approach or method to study anatomy, morphological, chemical, and after taking help of different technique like X-ray, ultrasound, ECG, etc. Surface or topographic anatomy. Surface anatomy, also called superficial anatomy and visual anatomy. Superficial anatomy and visual anatomy is the study of the external feature of the body of an animal or human. In birds, this is termed topography. In birds, it is called topography, and in human, it is called surface anatomy. It is a branch of gross anatomy along with endoscopy and radiological anatomy. Surface anatomy is a descriptive science. Endoscopy means a study of internal organ with the help of endoscope, as like a structure of larynx, pharynx, trachea, esophagus or stomach. In this diagram, you see different lines. Anterior axillary line, level costex junction, posterior axillary line, iliac or iliac crest, latissimus dorsi muscle, tip of scapula or lower angle of scapula, applied or surgical anatomy. Use of anatomy or knowledge of anatomy in surgical field. Without knowledge of proper anatomy, a surgeon unable to perform the surgical procedure, because during process of surgery, which artery or nerve will be damaged and how they prevent the bleeding. Next is different layer of muscles and region. So knowledge of anatomy is also required for surgical anatomy or surgical procedures. Clinical anatomy. When we palpate a abdomen of any patient for observation or identification of any abnormalities inside abdomen, so first we determine the different regions of the abdomen. So abdomen is first divided into 9 parts: right hypochondriac, epigastrium, left hypochondriac, right lumbar, umbilicus, left lumbar, right iliac, hypogastric and left iliac. Same in clinical anatomy, auscultation, palpation, percussions, different jerk, movement and other physical test or examination included in clinical anatomy. So use of anatomical knowledge for the purpose of diagnosis of a case during case taking is called clinical anatomy. Thank you for watching. Like, share and subscribe. In next video, we describe about the classification of anatomy in forward manners or in detail. So you must watch this video and give me comment, like, share and subscribe.